हेलो बच्चों, आज एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक आइसोमेरिज्म से, ऑर्गेनिक के आइसोमेरिज्म से, और पुराने पेपर्स में मुझे बहुत बार आया हुआ मिलता है, और वो है टॉटोमेरिज्म। क्योंकि इस पे दो तीन तरह की प्रॉब्लम है, वो एग्जामिनर की फेवरेट रहती हैं और वो बार बार इन पे प्रॉब्लम बनाता है। तो मैं आज टॉटोमेरिज्म पे बात करूँगा। सबने ये नाम सुना है, लेकिन इसके टॉटोमेरिज्म के अलावा इसके कई सारे नाम और हैं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ टॉटोमेरिज्म। इसी के कई सारे नाम हैं, जिनमें से एक को अपन कीटो इनोल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। इसी का एक तीसरा नाम है डायनेमिक आइसोमेरिज्म भी बोला जाता है। इसको डायनेमिक आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। इसको प्रोटोट्रॉपी भी बोला जाता है, प्रोटोट्रॉपी। इसको केटाइनोट्रॉपी भी बोलते हैं। बहुत सारे नाम हैं, और इसको डायड एंड ट्रायड आइसोमेरिज्म भी कुछ केस में कहा जाता है, और कुछ केसेस में तो इसको एनाइनोट्रॉपी भी कहते हैं, वो स्पेशल केस होते हैं। खैर, पॉइंट ये है बच्चों कि मुझे प्रॉब्लम जो एग्जाम में मिलती है ना, वो मेरी सॉल्व होनी चाहिए। मेन बात ये है, और वो क्वेश्चन देखते ही सॉल्व होना चाहिए, उसका इलाज होने वाला है। तो ध्यान रहे, एक प्रॉब्लम तो क्या आती है पेपर में कि फॉलोइंग में से टॉटोमेरिज्म शो कौन करेगा। एक क्वेश्चन है, ये सबसे मैक्सिमम बार आया हुआ क्वेश्चन है, इसका मैं इलाज करने वाला हूँ। और काफ़ी बड़ा टॉपिक है, मैं चाहता हूँ इसको मैं दो पार्ट में आप लोगों को दूँ। तो इस पार्ट में मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि टॉटोमेरिज्म कौन शो करता है, और टोटोमर्स कैसे बनाए जाते हैं, उनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, छोटा सा पार्ट होगा। और उसके बाद जो बाकी के क्वेश्चन है, वो पार्ट सेकंड में दूंगा मैं आपको। टॉटोमेरिज्म का पार्ट सेकंड मिलेगा। तो मैं पार्ट फर्स्ट में केवल इस बात पे फोकस कर रहा हूँ कि मुझे टॉटोमेरिज्म कौन दिखाएगा, इस बात को सीखना है। ध्यान रहे बच्चों, एक दो फॉर्मूले नहीं है, हम उनको रट लेते एक दो होते तो। करोड़ों, अरबों, खरबों फार्मूले हैं नेचर में, जिनमें ये आइसोमेरिज्म दिखाने की एबिलिटी है। और मज़ेदार बात क्या है पता है, हमारी बॉडी में ऐसे फार्मूले हैं जिनमें टॉटोमेरिज्म होती है। तो एक नेचुरल आइसोमेरिज्म है, और मुझे इसकी जानकारी होनी चाहिए। इन सारे नामों का मीनिंग भी आ जाएगा, इन सब के मैं मीनिंग सिखा दूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं ये फोकस कर रहा हूँ कि आपसे जब भी कोई पूछे कि टॉटोमेरिज्म कौन दिखाएगा, चार ऑप्शन पड़े हैं, आप मेरी बात लगाना, आपको आंसर मिल जाएगा। तो मैं कंडीशन बताने जा रहा हूं, उसके बाद मैं इसकी इस आइसोमेरिज्म को बनाकर दिखाऊंगा, और फिर इसकी डेफिनेशन भी दूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं रिवर्ट चल रहा हूं, सबसे पहले मैं डेफिनेशन नहीं देकर यह बताना चाहता हूं कि इस आइसोमेरिज्म को कौन शो करता है। मैंने तरीका क्या बना रखा है, उस तरीके को सीखना। टॉटोमेरिज्म की दो कंडीशंस हैं, वो दोनों नजर आनी चाहिए, दोनों अप्लाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं एक दिख गई और अपन दूसरी अप्लाई किए बिना आंसर देते हैं। दोनों की दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। पहली शर्त बता रहा हूं, मेरे उस मॉलिक्यूल में दो डिफरेंट एटम के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। डिफरेंट एटम्स हैं इसलिए मैं इनको ए बी लिख रहा हूं। मतलब मेरे फॉर्मूले में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए दो डिफरेंट एटम्स के बीच में। ये मेरी पहली कंडीशन चल रही है। लेकिन If सिमिलर एटम के बीच में डबल बॉन्ड है, सिमिलर एटम के बीच में डबल बॉन्ड है, तब भी ये आ सकती है। उसमें एक शर्त है कि इस डबल बॉन्डेड एटम पे ग्रुप जेड लगा हुआ हो, जिसका लॉन पेयर स्पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में हो। यदि ये कंडीशन है तब भी हो सकता है। पहले ही पॉइंट में मैंने दो बातें बोल दी हैं, मेरे मॉलिक्यूल में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो दो डिफरेंट एटम के बीच में, सिमिलर एटम के बीच में है, तो फिर उसी बॉन्डेड डबल बॉन्डेड एटम के ऊपर एक ग्रुप लगाओ जिसपे लोन पेयर होना चाहिए। ये एग्जाम्पल्स में अभी मैं प्रूव करके दिखाऊंगा बच्चों। एक बार मैंने लिखा है इसको, पहली कंडीशन हुई है। दूसरी, मेरे उस फॉर्मूले में एसिडिक या अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। मेरे उस फॉर्मूले में या तो एसिडिक हाइड्रोजन हो, मेरे पुराने वीडियो आपको याद होंगे बच्चों, शुरुआत से जो मैंने वीडियो जिस सीक्वेंस में दिए हैं उसी सीक्वेंस का इस सब्जेक्ट में रोल है। मैं पता नहीं कितनी बार ये बात मेरे हर वीडियो में बोल चुका हूं कि सोनेक्स पर अटैच हाइड्रोजन एंड एसपी हाइब्रिड कार्बन पे अटैच हाइड्रोजन, एसपी हाइब्रिड कार्बन होना चाहिए सोनेक्स पर, और एसपी हाइब्रिड कार्बन पे लगी हाइड्रोजन एसिडिक मानी जाती है। ये बात ध्यान रखना, सोनेक्स का मतलब सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन पे डायरेक्टली हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो, और या एसपी हाइब्रिड कार्बन पे कोई हाइड्रोजन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है वो हाइड्रोजन एसिडिक माना गया है। लेकिन एक बात है कि जरूरी नहीं एसिडिक हाइड्रोजन ही हो, अल्फा हाइड्रोजन भी चलेगा।
और अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, जो अल्फा कार्बन पे लगा हो, अल्फा कार्बन क्या होता है, जिस पे फंक्शन ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। ये दो कंडीशंस आपने अप्लाई कर दी, आपका काम हो गया। सिर्फ ये दो बातें सीख लो। अब मैं जो एग्जाम्पल मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, उन एग्जाम्पल्स को मेमोराइज नहीं करना, मैं अपनी बात को समझाने के लिए, इन चीजों को प्रूव करने के लिए एग्जाम्पल लिख रहा हूं। हम क्या करते हैं, इन चीजों को ध्यान नहीं देते और एग्जाम्पल्स याद करने की कोशिश करते हैं, और एग्जाम में फिर नया फॉर्मूला मिलता है और हमारा आंसर नहीं निकल पाता। सिर्फ इन दो बातों को अप्लाई करना सीखें, डिफरेंट एग्जाम्पल्स पे आपको आंसर मिलने लगेंगे। अब मैं कुछ फॉर्मूले लिख कर इन बातों को सिखाता हूं और समझते जाना। ये लो, मैंने क्या किया, मान लो फॉर्मेल्डिहाइड लिखा आपके सामने, देखिए ये रहा दो डिफरेंट एटम के बीच में पाई बॉन्ड। अब देखो इसमें सोनेक्स का ओ तो आ गया, मतलब पहली कंडीशन तो आ गई, अब मैं दूसरी पे आ रहा हूं, सोनेक्स का ओ तो आ गया लेकिन इस पे कहीं भी हाइड्रोजन नहीं लगी, इसका मतलब इसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। अब मैंने देखा अल्फा है क्या, तो अल्फा में भी एक जोरदार सी बात है कि ये मेरा फंक्शन ग्रुप, यहां कोई कार्बन ही नहीं लगा, मतलब इसमें कोई अल्फा कार्बन ही नहीं है, दैट्स व्हाई इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मेरी दोनों कंडीशंस फुलफिल नहीं हुई, नहीं आएगी आइसोमेरिज्म। मैंने मान लो एसिटाल्डिहाइड लिखा, ये पड़ी मेरी पहली कंडीशन, सबको नजर आ गई होगी, और ये फंक्शन ग्रुप इस कार्बन पे लगा, ये कार्बन अल्फा है, इस कार्बन पे लगी भी हाइड्रोजन, मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन भी है, मैं कहूंगा यहां टॉटोमेरिज्म आएगा। मैंने मान लो एसीटोन लिखा, ये मेरी फर्स्ट कंडीशन, ये पड़ा मेरा अल्फा कार्बन, इस पे हाइड्रोजन है, मुझे अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, चाहे वो एक है, चाहे दो है, चाहे पांच है, चाहे छह, इसमें तीन इधर है और तीन इधर है, छह अल्फा हाइड्रोजन है, मुझे एक चाहिए, मेरी कंडीशन फुलफिल हो गई। मैंने मान लो साइक्लोहेक्सेनोन लिख दिया, ये पड़ी मेरी पहली कंडीशन, मतलब ये वाली बात, ये पड़ा अल्फा कार्बन, इस पे देखो दो हाइड्रोजन पड़ी है, इधर दो हाइड्रोजन पड़ी है, मेरी कंडीशन फुलफिल है। लेकिन जैसे ही मैंने इन हाइड्रोजन को कंज्यूम कर दिया, हटा दिया, यहां सब्स्टिट्यूएंट लगा दिए, ये पड़ी मेरी पहली कंडीशन, ये पड़ा मेरा अल्फा कार्बन, ये पड़ा अल्फा कार्बन, इस कार्बन की चार वैलेंसी नजर आ रही है, मतलब इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है और ना ही इस अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है, कीटोन होते हुए भी आइसोमेरिज्म को नहीं दिखाएगा। तो ये मत सीखेंगे सारे एल्डिहाइड कीटोन इस आइसोमेरिज्म को शो करते हैं, नो, कंडीशन दोनों फुलफिल होनी चाहिए। अब एक जबरदस्त बात पे मैं आ रहा हूं, बहुत जबरदस्त बात आ रही है, ढंग से सीखना। ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ना मेरी, ये अल्फा हाइड्रोजन विनाइलिक नहीं होनी चाहिए, विनाइलिक नहीं होनी चाहिए। विनाइलिक का मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन को अपन विनाइलिक बोलते हैं। तो यदि वो कार्बन अल्फा बन रहा है, डबल बॉन्डेड कार्बन, और यदि उस पर अल्फा हाइड्रोजन पड़ी है, वो टॉटोमेरिज्म में हिस्सा नहीं लेगी। तो एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया है मैंने, अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए, और वो कैसी होनी चाहिए, विनाइलिक नहीं होनी चाहिए। अब मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं, ये एग्जाम्पल एग्जाम में सबसे ज्यादा बार आया हुआ है। पुराने पेपर्स देखोगे तो आपको ये एग्जाम्पल बार बार आया हुआ मिलेगा। देखो ये पड़ी पहली कंडीशन, ये पड़ा अल्फा कार्बन, ये पड़ा अल्फा कार्बन, यहां हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन है, इसके रेस्पेक्ट में भी ये अल्फा और ये अल्फा है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, लेकिन मैं फिर बोल दूं ये हाइड्रोजन डबल बॉन्डेड कार्बन की है, दैट्स व्हाई ये हाइड्रोजन विनाइलिक है। और मैंने अभी भी बोला है कि विनाइलिक हाइड्रोजन टोटोमेरिज्म में हिस्सा नहीं लेती। उसका कारण है कि इस बॉन्ड की डिसोसिएशन एनर्जी जो है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई होती है एज कंपेयर टू दिस बॉन्ड। ये विनाइलिक कार्बन नहीं है, इसकी डिसोसिएशन एनर्जी कम है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये पॉइंट समझ में आ गया हो, विनाइलिक हाइड्रोजन को कभी भी टोटोमेरिज्म में हिस्सा नहीं दिलाना। लेकिन एक अच्छा पॉइंट बोलता हूं, बहुत जबरदस्त पॉइंट, यदि फॉर्मूले में कंजुगेशन है और एलाइलिक हाइड्रोजन आ गई, वो टोटोमेरिज्म में हिस्सा ले लेगी। अब आप सोचेंगे सर विनाइलिक मैंने भी बताया डबल बॉन्डेड कार्बन पे अटैच हाइड्रोजन, एलाइलिक नेक्स्ट टू विनाइलिक, जो विनाइलिक कार्बन का अगला कार्बन होता है वो एलाइलिक होता है। मैं एग्जांपल लेता हूं, समझना। मैंने ये लो एक फॉर्मूला लिखा, ये भी मेरी पहली कंडीशन। अब देखो ये कार्बन अल्फा है, ये अल्फा है, ये हाइड्रोजन है, यहां भी है लेकिन वो विनाइलिक है, लेकिन देखो ये कंजुगेशन है, मतलब डबल सिंगल डबल, मतलब यार रेजोनेंस की कंडीशन है। तो ये विनाइलिक कार्बन, तो नेक्स्ट कार्बन ये आ रहा है जो सिंगल बॉन्डेड है, इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन है और ये दोनों हाइड्रोजन पता है कैसी है, इन हाइड्रोजन को हम एलाइलिक हाइड्रोजन बोलते हैं, क्योंकि इस कार्बन को अपन एलाइलिक बोलते हैं। तो यदि फॉर्मूले में एलाइलिक हाइड्रोजन है, मतलब कंजुगेशन है और एलाइलिक हाइड्रोजन है, तो वो टोटोमेरिज्म में हिस्सा ले लेगी। कैसे लेगी मैं सिखाऊंगा अभी। इस फॉर्मूले में टोटोमेरिज्म आएगा, इसको रटे नहीं, मेरे पॉइंट अप्लाई करें बच्चों, मेरे पॉइंट अप्लाई करने हैं सीख कर याद करके।
मैंने इसी का पैटर्न एक और बना दिया, ये लो मैंने ये लिख दिया। अब देखो ये रेजोनेंस की कंडीशन और ये पड़ा एलाइलिक हाइड्रोजन और ये टॉटोमेरिज्म में हिस्सा लेगा क्योंकि ये मेरी पहली कंडीशन और ये मेरी दूसरी कंडीशन। क्लियर हो गया हो? कभी भी टॉटोमेरिज्म पे कोई क्वेश्चन आए आंसर आएगा। एक और शानदार बात, बहुत जबरदस्त बातें इस आइसोमेरिज्म, बहुत जबरदस्त फॉर्मूले हैं और ये फॉर्मूले याद नहीं करने, सिर्फ मेरी बातें अप्लाई करनी है, सीखना। मैंने क्या किया, मैंने एक इनॉल लिख दिया ये लो, और एक फॉर्मूला मतलब मैंने विनाइल एल्कोहल लिखा और मैं एलाइल एल्कोहल भी लिख देता हूं और समझना। मुझे पूछा गया क्या इन दोनों में से कहीं टॉटोमेरिज्म आएगी, तो मैंने क्या पाया, ये रहा सेम एटम के बीच में डबल बॉन्ड, ए भी चल सकता है, लिखा हुआ पड़ा है, लेकिन देखो इसी कार्बन पे एक ग्रुप लगा है जिसपे लोन पेयर है और उसका लोन पेयर कंजुगेशन में है, मतलब रेजोनेंस की कंडीशन में है, यहां टॉटोमेरिज्म आएगा। ये पड़ा सिमिलर एटम के बीच में पाई बॉन्ड, लेकिन इन पाई बॉन्डेड एटम्स के ऊपर कहीं भी कोई ग्रुप, ये ग्रुप लगा हुआ है, ये रहा इस पे कहां है लोन पेयर, नहीं आएगा। मैंने ये कंडीशन भी समझा दी है, मेरे ख्याल में मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो मैंने कुछ फॉर्मूले कुछ ही लिखे हैं जिनमें टॉटोमेरिज्म मैंने निकालना सिखाया। मैं कुछ और भी लिखता हूं, किसी फॉर्मूले को याद नहीं करना बच्चों, किसी को भी, सिर्फ मेरे पॉइंट अप्लाई करने हैं, देखते और सीखते जाओ। मैं इधर वाला पार्ट नहीं मिटा रहा ताकि अपन बार बार इस चीज को अप्लाई कर सकें। कुछ फॉर्मूले और लिखता हूं और समझना सीखना उनको। जैसे मैंने क्या किया, मान लीजिए एक फॉर्मूला ये लिख दिया बिना रटे, इनको रटना नहीं है, फिर कह रहा हूं रटना मत बिल्कुल भी, याद नहीं होंगे, करने भी नहीं है। और मुझे एक फॉर्मूला ऐसा मिल गया, ये लो। पहले मैं यहां कार्बोनिल ग्रुप और लगा देता हूं। अब आप देखो ये पहली कंडीशन, ये सारे कार्बन डबल बॉन्डेड हैं, देखो सारे के सारे डबल बॉन्डेड कार्बन है, मतलब सारे के सारे विनाइलिक हैं। इनमें से कुछ कार्बनों पर जिन पे हाइड्रोजन पड़ी है, ये सारी हाइड्रोजन कैसी हैं, विनाइलिक हैं, टॉटोमेरिज्म नहीं आएगा, क्रॉस लगा दिया। लेकिन अब मैं इस कार्बोनिल ग्रुप को मिटा देता हूं, इस क्रॉस को भी मिटा देता हूं। अब आप देखो यहां से लेकर यहां तक कंजुगेशन आ रहा है लगातार, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल हो रहा है और ये एलाइलिक हाइड्रोजन आ गई, ये टॉटोमेरिज्म में हिस्सा ले लेगी, अब मैं राइट लगा रहा हूं। ये बातें सीखो बच्चों, समझना पड़ेगा क्योंकि ऐसे ही एग्जाम्पल मिलेंगे और मैं बिना रटे हुए आंसर देना चाहता हूं। फिर चेंज करता हूं, मान लीजिए मैंने कुछ ऐसा लिख दिया, ये लो कुछ ऐसा लिख दिया, ये लो ये लिख दिया, बिना रटे हुए आंसर देने हैं। मुझे पूछा गया टॉटोमेरिज्म आएगा, मैंने फिर वही बात देखी, यदि मेरी पहली कंडीशन ये विनाइलिक कार्बन है, इन पे हाइड्रोजन पड़ी है, ये एलाइलिक कार्बन है 100% है, लेकिन देखो इसकी वैलेंसी चार हो गई, इस पे हाइड्रोजन है ही नहीं, मतलब इस रिंग में कहीं भी टॉटोमेरिज्म की कंडीशन नजर नहीं आ रही। इसमें देखो ये कंडीशन फुलफिल हो गई, ये विनाइलिक विनाइलिक, यहां हाइड्रोजन यहां हाइड्रोजन यहां भी है, लेकिन ये देखो एलाइलिक कार्बन है ये वाला इस रिंग के लिए, और इस कार्बन की तीन वैलेंसी नजर आ रही है, मतलब इस कार्बन पे यहां हाइड्रोजन पड़ा है, इसमें यहां पड़ा है, एलाइलिक हाइड्रोजन पड़ा है, टॉटोमेरिज्म 100% आएगा, मॉलिक्यूल के किसी भी पार्ट में आ गया, मतलब पूरा मॉलिक्यूल टॉटोमेरिज्म शो कर रहा है। ये सुपर्ब एग्जांपल्स हैं जो हमें बिना रटे हुए देने आने चाहिए। चेंज करता हूं, सुपर्ब एग्जांपल टॉटोमेरिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट, HCN टॉटोमेरिज्म शो करता है। कैसे, ये पड़ी पहली कंडीशन ए ट्रिपल बॉन्ड बी, ये कार्बन मेरा sp हाइब्रिड, ये पड़ी हाइड्रोजन क्या कहलाएगी, एसिडिक, पहले एसिडिक हाइड्रोजन चेक कर लो, वो नहीं है तो अल्फा चेक कर लो, बात बन जाएगी। मैंने मिथाइल साइनाइड लिखा, मैं फिर बोल रहा हूं बच्चों ये मेरी पहली कंडीशन, अब इसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है लेकिन ये अल्फा कार्बन तो है और अल्फा हाइड्रोजन तो है, टॉटोमेरिज्म आएगा। मैंने मान लो एमाइड लिखा, ये लो यदि पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन आ गई एसिडिक हाइड्रोजन, हालांकि अल्फा भी बड़ी है, तो जब अल्फा और एसिडिक दोनों प्रेजेंट हो, एसिडिक हाइड्रोजन टॉटोमेरिज्म में हिस्सा लेती है, फिर अल्फा नहीं लेती, एसिडिक नहीं होती तो अल्फा लेती है। समझ में आ गया होगा मेरा पॉइंट, ध्यान दे यहां भी टॉटोमेरिज्म आएगा। मैंने मान लो कोई नाइट्रो कंपाउंड लिख दिया, ये लो नाइट्रो कंपाउंड लिखा, ये पड़ी पहली कंडीशन, एसिडिक हाइड्रोजन तो नहीं है यहां लेकिन अल्फा तो है, टॉटोमेरिज्म आएगा। करोड़ों फॉर्मूले हो सकते हैं, करोड़ों बोल रहा हूं बच्चों, जहां टॉटोमेरिज्म आती है।
सिर्फ इन दो पॉइंट से आंसर निकालना है, और कुछ पॉइंट विनाइले कभी पार्टिसिपेट नहीं करेगी। कॉन्जुगेशन में एलाइले की थी, अर्जुन आ रही तो पार्टिसिपेट कर लेगी। सिमिलर एटम के पीछे पाई बॉन्ड है तो फिर उन्हीं एटम्स पे कॉन्जुगेशन में लॉन पेयर होना चाहिए, अदरवाइज वहां भी नहीं आएगा। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हमारी बॉडी में ऐसे फॉर्मुले हैं जहां टॉटोमेरिज्म आती है, ऐसे में कुछ फॉर्मुले लिख रहा हूं, सीखना समझना। हमने सभी ने न्यूक्लिक एसिड नाम सुना है, हमने सभी ने डीएनए आरएनए सुना है, हमारी बॉडी में है, हमने सभी ने हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजीनियस बेस पढ़े हैं, हमने प्यूरीन पिरिमिडिन्स की बात की है, हमारी बॉडी में है वो फॉर्मूले, और इनमें टॉटोमेरिज्म होती है। ध्यान रहे मैं प्यूरीन की बात कर रहा हूँ। जानते हैं प्यूरीन किसे कहते हैं? आप कहेंगे सर एडिनिन और गुआनिन को बोलते हैं। नो, प्यूरीन किसे कहते हैं? प्यूरीन कहते एडिनिन गुआनिन तो उसका एग्जाम्पल है। ये जो न्यूक्लियस बनाया है ना मैंने, ये न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस को ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस को प्यूरीन कहा जाता है। इसके दो एग्जाम्पल हैं, कौन? एडेनिन और गुआनिन। मैंने प्यूरीन लिखा है, ध्यान रहे, इसके दो एग्जाम्पल मैंने भी बोला है, एडेनिन और गुआनिन, उनके फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए। ये लो, मैंने क्या किया, इसी न्यूक्लियस को दोबारा लिखा, ये लो, और यहां NH2 लिख दिया। ये एडिनिन का फॉर्मूला है, ये एडिनिन का फॉर्मूला है। अब आप खुद देखो कि ये पड़ा दो डिफरेंट एटम्स के बीच में बॉन्ड, और ये पड़ा कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन में लॉन पेयर, और लॉन पेयर, और ये पड़ी एसिडिक आयरन, इस पार्ट में टॉटोमेरिज्म आ जाएगा। मैंने क्या किया, ये लो गुआनिन लिख रहा हूं बच्चों, गुआनिन, ये गुआनिन का स्ट्रक्चर है, यहां NH2 है और यहां ये फंक्शन ग्रुप पड़ा है, ये लो। अब आप देखो, ये पड़ा ए डबल बॉन्ड भी, ये पड़ी एसिडिक हाइड्रोजन, टोटोमेरिज्म आएगा। कैसे आएगा? नेक्स्ट पार्ट जो होगा मेरा टोटोमेरिज्म में, उनमें इनके मैं टोटोमर बनाने सिखाऊंगा, कैसे बनते हैं वो सिखाऊंगा। अभी केवल इस पार्ट में मैं ये बता रहा हूं कौन टोटोमेरिज्म शो करेगा और कौन नहीं करेगा। मैंने गुआनिन लिख दिया, ये फॉर्मूले हमारी बॉडी में है और इनमें टोटोमेरिज्म होता है। अब पिरिमिडीन किसको बोलते हैं? ये फॉर्मूला तो पिरिडीन का है, इसको अपन पिरिडीन बोलते हैं। लेकिन जैसे ही एक नाइट्रोजन और लगा दूं, 1-3 पोजीशन में नाइट्रोजन पड़ी है इसमें, ये फॉर्मूला पिरिमिडीन का है। पिरिमिडीन तीन होती है, अपन बोलते हैं यूरेसिल होती है, फिर हम बोलते हैं थायमिन होती है, फिर हम बोलते हैं साइटोसिन होती है। इन तीनों में भी टोटोमेरिज्म आएगी। और मान लीजिए मैंने केवल एक एग्जाम्पल लिखा, केवल एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, मैंने यूरेसिल का फॉर्मूला लिख दिया है, यूरेसिल लिख रहा हूं, ध्यान रहे, ये लो, ये यूरेसिल का फॉर्मूला है, ये पड़ा मेरा पहला शर्त और ये पड़ी एसिडिक हाइड्रोजन, ये पड़ी मेरी पहली शर्त और ये पड़ी एसिडिक हाइड्रोजन, टोटोमेरिज्म आएगा। मैंने कोई बहुत सारे एग्जाम्पल लिख दिए हैं बच्चों जहां टोटोमेरिज्म आ सकती है। इन सब का इलाज मेरे सिर्फ वो दो पॉइंट हैं, उन्हीं पर फोकस करें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को टोटोमर कैसे बनाते हैं ये बताऊंगा, उनकी स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करते हैं बताऊंगा, मैकेनिज्म क्या होती है बताऊंगा। लेकिन इसमें बताएगी दोनों इन्फॉर्मेशन पहले प्रिपेयर करें और फिर नेक्स्ट वीडियो लेते आना है।